सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले कार फोर सेल, जो बहुत अच्छी गेम है। लिटरली मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने इसमें 5 लाख रुपीज़ जमा कर लिए और आज आप अपने ऑफिस को अपग्रेड कर देंगे, वो एकदम 2 लाख वाला हो जाएगा ना। तब मतलब फटाफट हमें ना सो के आते, क्योंकि आज ना मार्केट ओपन है ना ऑक्शन, तो फटाफट से हम सो के आते घर पर जा के, फिर आगे क्या मार्केट ओपन हो तो ऑडी आलेट ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो करती है प्रॉफिट। और लैम्बोर्गिनी कुल्टॉच, और कुल्टॉच मीन्स कुल्टॉच जो आती है, इसमें कच लिखा होता है लेकिन उसका रियल नेम है लैम्बोर्गिनी कुल्टॉच। और मैंने एक सुप्रा बेची थी ना यही डे पे, इसलिए ना ये क्या बोलते हैं 1 लाख रुपीज़ मेरे पास सो दिखा रहा है प्रॉफिट। तब मैंने सुप्रा बेची सेल की, फिर सीधा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलो अभी मार्केट ओपन है तो मार्केट चलते फटाफट से। आजाद पहुँच गया मार्केट। मार्केट में देखो ऑडी आलेट खड़ी है शायद, मैं ध्यान से देखा नहीं। हाँ देखो खड़ी है ना, नहीं ऑडी आलेट नहीं है। चलो आगे ढूंढते कहीं पे, तो कि लैम्बोर्गिनी कुल्टॉच है। ये देखो लैम्बोर्गिनी तो मिल गई एक, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा देती है। तो एक लैम्बोर्गिनी ले लेते हम, कितने की दे रही है ये, बहुत ज़्यादा सस्ती दे रही है, तो इसको बार्गेन करवा के ले लेते हैं। इससे थोड़ा बार्गेन करते फटाफट से, इसको मैं बोलता हूँ 4 लाख 50,000। ठीक है 4 लाख 50,000 मैंने बोला, अभी देता है कि नहीं दे दी। चलो 4 लाख 50,000 में एक लैम्बोर्गिनी अपने पास आ चुकी है। अभी इसको जाते सेल ख्याल से रिपेयर कराते और सेल पे लगा देते हैं फटाफट से। चलो 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 चलो। और इसमें यार मेरे को लग रहा है रेसिंग किट डली हुई है, सही चल रही है कार। बहुत नॉस नहीं डलवा के दिया यार मेरे को, बहुत गाड़ियों में पहले से ही नॉस डला हुआ मिलता है। तो चलो हम फटाफट से चलते हैं अभी यहाँ से, कार को रिपेयर करवाते हैं और इसको है ना हम फटाफट से सेल पे लगा देते हैं। ये तो यार बहुत अच्छा प्रॉफिट कराया कि मैंने ड्रिफ्ट मार के, इसलिए लगी आपको ड्रिफ्ट। अरे मैंने रिपेयर ही नहीं कराई, मैं सीधा ऑफिस में लेके आ रहा हूँ। यहाँ से सीधा क्या चेक कर लेता हूँ मैं डैमेज, ओके भेज दिए मैंने। अभी यहाँ से ऑफिस थोड़ा क्लीन कर लेते, फिर जाते इसको रिपेयर पे लगवाते। और मेरे पास अभी सिर्फ 70,000 बचे, क्योंकि अकेली लैम्बोर्गिनी मेरे को 4 लाख 50,000 की पड़ गई, बहुत ज़्यादा महंगी ये कार है। अभी तो मैं अपना कलेक्शन भी बनाऊंगा, सुप्रा, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ऑडी R8, GTR, मास्टर RX-7, डॉज वाइपर, फिर फरारी XX, के सारी कार्स रखूंगा मैं अपने पास। चलो इसको मैंने रिपेयर पे दे दिया है, मैं इसको तब तक धो लेता हूँ जब तक ये रिपेयर कर रहा है, क्योंकि मैं इससे टाइम बचेगा। फटाफट से ये रिपेयर कर रहा है, तब तक हम गाड़ी धो देते हैं और देखो कितनी जल्दी रिपेयर भी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम डैमेज थी। चलो अभी इसको थोड़ा सा साफ़ करना है फटाफट से। और ये पता है ये ग्लिच है, मैं कई कार रिपेयरिंग पे देता हूँ, फिर ऊपर से नीचे आते तभी दिखना बंद हो जाता है भाई ये ना गाड़ी साफ़ हो रही है कि नहीं। सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स होते ना तब खबर पड़ती है भाई गाड़ी साफ़ हो रही है। देखो यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स नहीं हो रहे, मतलब यहाँ पर गाड़ी साफ़ है। अरे हाथ में नहीं आ रहा स्पॉन्ज, एक बार एम्प्टी हैंड करते फिर अभी स्पॉन्ज लेता हूँ हाथ। अरे टैबलेट नहीं, स्पॉन्ज। अरे गाइस पता नहीं क्या ग्लिच हो गया, आया हाथ में नहीं। अरे आ गया आ गया आ गया, ओके। अरे मैंने अभी आ गया था, बड़ी से क्लिक कर दिया, आ गया हाश। अभी अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी कार से डर्टी हो गया, से डर्टी है हो गई। चलो कार पूरी साफ, अभी इसका पेंट ठीक करवाना है और इसको सेल पे लगवाना है। ये लैम्बोर्गिनी पीछे से क्या लगती है, एकदम मॉन्स्टर जैसी। अगर मैंने इसके पूरे सस्पेंशन उठा दिए तो ये कैसी अजीब सी लगेगी, पूरे सस्पेंशन मैंने इसे ऊपर कर दिए तो एकदम अजीब सी कार लगेगी, मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी। अरे मेरे से ब्रेक ही नहीं दबे एक्सेलेटर, मींस मैंने उल्टा एक्सेलेटर की जगह एक और बार रिवर्स क्लिक कर दिया और मैंने गाड़ी और ज़्यादा पीछे लग गया। दोबारा से इसके ना पार्ट्स ठीक करवा देते और फटाफट से अभी इसको लगाते सेल पे और इसको कार को बेच के फिर हम और थोड़ा प्रॉफिट करेंगे और अपना ऑफिस में एक अपग्रेड लगा देंगे, वो 2 लाख 50,000 वाला। और अभी तो मैं ऑडी R8 भी खरीद सकता हूँ, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराती है और गेम की क्या बोलते कॉस्टलीस्ट एक्सपेंसिव कार है, सबसे ज़्यादा टॉप 2 एक्सपेंसिव, क्योंकि फर्स्ट पे तो वो है अपनी क्या बोलते हैं फरारी XX के, फिर सेकंड पे ऑडी R8 है, थर्ड पे अपनी डॉज वाइपर है। मेरे ख्याल से मैं मैक्सिमम प्राइस नहीं बता रहा हूँ सेलिंग की, हम बाइंग प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर बार ऑडी R8 4-5 लाख की खरीद लेता हूँ।
और ये तो दूसरी कार, हाँ JDR भी 4-5 लाख की मिल जाती है। सेलिंग प्राइस में कोई बार चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी कार सबसे एक्सपेंसिव है। बाकी फरारी XX के तो एक्सपेंसिव है ही सबसे ज़्यादा, ये 10 लाख की मैं लगा देता हूँ, चलो तो कितने की बिकती है देखते हैं। 10 लाख की मैंने लगा दी है लैम्बोर्गिनी कुलटॉच, अब देखते हैं ये कितने की बिकती है, फटाफट से कस्टमर आ जाए। तो यार कस्टमर आने में भी इतना टाइम लगता है ना, आते ही नहीं कस्टमर। और यार इसमें लिखा हुआ है गेम में अपडेट में भैया मैं अपना और क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, लेकिन हायर ही नहीं होता। और जितनी बार भी मैं नेट ऑन करके ऐड देखने आता हूँ ना, तो ऐड चालू नहीं आती है, बार बार बोलता है ट्राई अगेन लेटर देयर इज नो ऐड देखना। और मैं इसको क्लिक करूँगा तो बताएगा इसे ऐड देखो और वो कमा, ये जहाँ देखो वहाँ के बैठ जाता है। मेरे को लगता है यही मेरी ऑफिस में कचरा फेंक के जाता है गंदा आदमी, एक तो हायर भी नहीं होता है पता नहीं क्यों। आप है ना देखना इसको, मैं ना क्लिक करता हूँ, आप इधर लिखा हुआ आएगा वॉच ऐड टू हायर, ऐसे करता हूँ मैं जब ऐसे चेक करने के लिए भाई क्या है, तो वॉच ऐड टू हायर आता है, फिर इसको हायर करने के लिए मैं ऐड ही नहीं चालू होती है। और ये बाजू में ना जो 1000 रुपीज़ की, उस पर क्लिक करने पे ऐड चालू हो जाती है। बाकी और जब मैं ना गेम स्टार्टिंग से नेट चालू करके आता हूँ तो वो उसमें बैगर आता ही नहीं है। और जितनी बार मैं 1000 रुपीज़ वाली ऐड देखूँ ना उतनी बार चलती जाएगी, पता नहीं क्या ग्लिच है। गेम वाले अगले अपडेट में फिक्स कर दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपना ऑफिस बार बार साफ कर कर के थक गया हूँ यार। और अभी तो मेरी आधी स्किल पॉइंट भी अनलॉक हो चुकी है, मेरे को इसको काम पे रखना है, पता नहीं क्यों नहीं आता है काम पे। चलो अभी इसको मैंने 10 लाख का लगाया है, ये कितने दे रहा है 6,20,72,000, चलो इसको भी भेज देते तो एक काम को 7,50,000 दे दे। ओके खरीद लेना। अरे यार 7,50,000 में भी नहीं खरीद रहा है, तो एक काम कर तू 7,20,000 में खरीद ले, 7,20,000 में खरीद ले। ये हमारी 7,20,000 में कार बिक चुकी है। चलो अभी हम कार भी बिक चुकी है, ऑफिस में जाते हैं और एक काम करते 2.5 लाख वाला अपग्रेड करा ही लेते हैं। मेरे जो 2 लाख वाला है स्लॉट तो मैंने सारे अनलॉक कर दिए थे, और ये 2 लाख वाला अपग्रेड मैंने करा चुका हूँ, एक स्किल पॉइंट भी मिल चुका है। ये हमारा ऑफिस कितना बड़ा हो गया गाइस, और एक और 7,50,000 वाला भी मैं करा दूंगा एक दो वीडियो के बाद मस्त। अभी एक और स्किल पॉइंट भी मिल चुकी है, एक तो स्किल पॉइंट तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाद में यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को कोई अच्छी स्किल पॉइंट लेनी है। तो अभी चलते फटाफट से ये बैंगर के पास, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोड़ो इसको छोड़ो, वैसे हैर तो होता नहीं है। हम चलते मार्केट से, मार्केट में कोई गाड़ी लेती या तो घड़ी सोने चलते, क्योंकि मार्केट में और कोई कार नहीं थी। तो चलो फिर घड़ी चलते हैं, सो के आते और फटाफट से सोने ने मार्केट आ गया। मैं भी ना पता नहीं क्या घर क्या लेने एक बार हो की जगह मार्केट क्लिक कर दिया, बहुत ज़्यादा पास पास में ही था। चलो देख के चलते कोई कार आई हो तो, क्योंकि मैं देख के गया था लैम्बोर्गिनी कुलटॉच के अलावा कोई और कार है नहीं, एक फरारी है, तो चलो फरारी ही ले लेते। ये फरारी वो है, ये फरारी F4 है, हाँ ये फरारी F4 है, तो इसको हम खरीदते। ये तो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा है, कितनी ज़्यादा डैमेज है। छोड़ो घर ही चलते, सो के डे रिफ्रेश करके सीधा अगले दिन आते, मार्केट में से कोई अच्छी सी कार खरीद लेंगे हम। चलो जल्दी से चलते हम, पहुँच गया मैं नेबरहुड, जल्दी से पहुँच जा। ओके ये मैंने ना पिछले वीडियो में अपना नेबरहुड में घर भी खरीद लिया था, इसलिए मैं भी नेबरहुड में सो सकता हूँ। चलो अभी सोते हैं, यहाँ से सोने का ऑप्शन है। ओके अभी हम सो जाते हैं, और 2,70,000 का मेरा आज प्रॉफिट हुआ है, और मैंने स्पेंट कम था, मेरे जो ऑफिस का अपग्रेड के लिए स्पेंड किया था ना वो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 4,50,000 ही दिखा रहा है। मतलब हम जो कार पे खर्चा करते हैं ना, सिर्फ वही याद है, बिल बिल पे करते हैं या कुछ अपग्रेड करते हैं तो वो खर्चा यहाँ पर नहीं दिखाता है। ओके चलो अब इस क्या बोलते हैं नेबरहुड में देख के चलते, कोई कार आई हो तो, नहीं तो फिर चलते नेबरहुड में। सुपड़ा आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, मस्टैंग और सुपड़ा, उससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक कार तो नहीं आएगी। तो एक काम करते एक सुपड़ा एक ले लेते हम, कितने की दे रहे हो भैया, ओहो 53,000। तो मैं इसको ना 45,000 ऑफ़र करूँ, कितना ऑफ़र करूँ 52,000, 5,20,000 ऑफ़र कर देता अभी मैं इसको। ओके इसने मेरे को दे दी कार, चलो अभी इसको लेके चलते। और मेरे ख्याल से मैं ये कार को अपनी पर्सनल कार ही बना दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पैसे भी है बहुत सारे। चलो इसको लेके चलते, और नॉस भी डला हुआ थी है, बहुत अच्छी कार मिल गई, अच्छी कंडीशन में मस्त कार मिल गई। और इसको मैं ना ब्लैक पेंट कराऊंगा, फुल एकदम खतरनाक वाला ब्लैक शाइनिंग वाला,
बहुत मस्त लगेगा इस पर। तो चलो हम यहाँ पे ही सो जाते, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं है, ना ऑक्शन है ना क्या बोलते हैं मार्केट ओपन है, तो सो के ही चलते। और मैं यहाँ से ग्लिच की तरह थ्रू है ना बाहर से ही सो जाता हूँ हमेशा, एक बार मैं अंदर हो के आता हूँ। ओके यहाँ से मस्त है, अच्छा है यार हमारा घर भी। 52,000 की मैंने सुपरा खरीदी, इसलिए 52,000 का लॉस है। लेकिन मैं अभी सुपरा को ना अपनी पर्सनल कार बना लूँगा, और है ना ये ऑडी आरेट वारेट को बेच बेच के, लंबरगिनी कुल्टॉस को बेच बेच के बहुत पैसे आ जाएंगे मेरे पास। चलो अभी ये सुपरा को ले चलते हैं अपने ऑफिस तक, और मार्केट भी ओपन है तो मार्केट भी देख आएंगे सुपरा से लगे हाथ। चलो जल्दी चलो। ये क्या है लॉर्ड एस्कॉट क्लासिक, कितनी बेकार बेकार गाड़ी आती है नेबरहुड में, नेबरहुड में सॉरी। चलो यहाँ से चलते शॉर्टकट लेके, और मैं सीधा ऑफिस ही जा रहा हूँ, मार्केट बाद में जाएंगे, पहले इसको भी रिपेयर करवाना है। और मेरी शायद लंबरगिनी कुल्टॉस, हाँ मैंने बेच दी, तभी तो मेरे पास इतने पैसे है, नहीं तो मेरे पास स्टार्टिंग में 5 लाख थे, मेरे पास 7 लाख हो गए। उसके बाद मैंने ये क्या बोलते ऑफिस भी अपग्रेड कर दिया, एक पर्सनल कार भी खरीद ली। तो चलो हम इसको यहाँ पर खड़ा करते हैं अभी के लिए, और एकदम परफेक्टली मैं इसको लगा दूंगा, एकदम परफेक्टली यहाँ से यहाँ पे करके। फिर मैंने इसको बाद में कलर वाला चेंज करके रिपेयर करवा दूंगा। अभी मैं मार्केट में देख के आता हूँ पहले कौन सी कार आई हुई है कौन सी कार नहीं। ऑफिस तो मैं बाद में साफ कर दूंगा, क्योंकि यार कचरा साफ करना मेरे को पूछता ही नहीं है। मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जो इतना जमा होता है ना उसको मैं सीधा गेम सेव करके, गेम में ना जो है ना फोर्स क्विट करके वापस आ जाता हूँ रिज्यूम करके, तो है ना सीधा मेरी जो ऑफिस है वो क्लियर आ जाती है एकदम साफ। चलो ये लैम्बोर्गिनी कुल्टॉस, एक और ऑडी आर8 आई है। ऑडी आर8 कितने की दे रहे हो सर? सर कितने की ऑडी आर8 दे रहे हो? ओके बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, हम ऑफ़र करते हैं 45 लाख बोला था, 4,50,000 ऑफ़र करते, कितने की दे रहा है? ओहो 4,50,000 में इसने मेरे को कार दे दी। गाइस मैं क्या बोलते ये लैग हो चुका है शायद। अरे चल जा। ओके चल गया, हाँ चल गया, चल रहा, ये पता नहीं क्यों लैग हो गया था। चलो हम ऑडी आर8 को ले चलते अभी घर। ओके इसने कुछ भी नहीं डला के दिया, नहीं नॉस नाइट्रो ना कुछ, एकदम बेकार। अच्छा ये है, मैं कभी आता है आर8 में नाइट्रो नहीं डलता है, ऊपर से ड्रिफ्ट किट लगा के देती है। कैसे लोग हैं दुनिया में आर8 में ड्रिफ्ट किट लगा के घूमने ड्रिफ्टे मारेंगे। और मेरे ख्याल से आर8 भी एक जापान की कार है ना, जेडीएम है आर8 भी, हाँ है तो जापान की कार, हाँ तो फिर जेडीएम में होगी ना जापान की कार है। तो ये डैमेज थी कि नहीं मेरे को देखना पड़ेगा, रुको मैंने चेक नहीं किया, मैंने सीधा बाय कर ली, चेक करता हूँ। अरे बेच जी दी, चलो वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे डैमेज थी कि नहीं। कचरा साफ कर लेती अभी, क्योंकि थोड़ा ही है, जब मैं ना वो AFK करता हूँ ना ऑक्शन के लिए, भाई अच्छी कोई रेयर कार मिल जाए तभी मैं ऐसे करता हूँ। चलो मैंने सुपरा को भी रिपेयर पे भेज दिया, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत डैमेज थी। तो ये कैन उठाने यार, अरे कैन ही नहीं उठा रहा मेरा, कैन उठा लिया। चलो अभी इसको भी फेंक देते हैं बाहर, और ये बैग्स को भी फेंक देते हैं, पहले कैन उठा लेते हैं क्योंकि बैग उठाने नीचे कैन तो उठता ही नहीं है। इसको भी फेंक दिया है, और ये दो बैग ही बाकी है, बैग को भी फेंक देते फटाफट से, इसको भी फेंको जल्दी से, ये फेंक दिया। और एक और बैग है यहाँ पे, उसको भी फेंक देते, और फिर हम इसको फेंक के और अपने जो दोनों कार इसको रिपेयर करवा के और ऑडी आर8 बेच देंगे, और ऑफिस क्लियर होने की स्किल पॉइंट। अरे हाँ नहीं, मेरे पास एक स्किल पॉइंट पड़ी है, पर अभी मेरे को 2 स्किल पॉइंट चाहिए अनलॉक करने के लिए, तो जब तक दो नहीं मिले तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लम्बा हम आर8 को और सुपरा को रिपेयर करवा लेते हैं, और दो भी लेते हैं फटाफट से, ये रिपेयर करवा लिए और सुपरा को भी रिपेयर पे लगा देते, क्योंकि मैंने ली और सीधा मैं इधर आ गया एक बार सो के। मेरे पास अभी पूरी कलेक्शन में सबसे पहली कार आ चुकी है मेरी सुपरा, और मैंने पहले एक अपने लिए डॉज चार्जर रखी थी लेकिन मैंने भेज दी, क्योंकि ना मेरे पास पैसों मेरे पास इतने कॉइन्स मतलब रुपीज़ नहीं थे ना, इसलिए और डॉज चार्जर मेरे को इतनी अच्छी भी नहीं लगी तो मैंने वो भेज दी। चलो अभी ये दोनों कारें रिपेयर हो रही है, और सुपरा तो अभी अच्छा ये भी कम ही डैमेज थी तो इसको मैं डायरेक्ट भिजवा देता हूँ। और अच्छा सुपरा ज़्यादा डैमेज थी, मेरे को लगा सुपरा कम डैमेज थी और आर8 ज़्यादा डैमेज थी, तो हम आर8 को शायद पेंट ठीक करवाना बाकी है, देखता हूँ बिना पेंट ठीक के ही लगा दूंगा, चेक तो कर लेके ही चलती अभी बैठ के आऊँ तो पेंट ठीक करवा ही लेते, क्या पता पैसे ज़्यादा मिल जाए। लेकिन मैंने बहुत बार चेक किया बिना पेंट ठीक कराए लोग बेच देते, मैं भी अभी टाइम वेस्ट ही नहीं करूँगा, सिर्फ रिपेयर करवा के बेच दूँगा, पेंट का खर्चा नहीं कराऊँगा,
फिर से मैं अपनी गाड़ियों पे करवाऊँगा। अब इस पे करवा देते और 3-4 गाड़ियाँ ही लूँगा तो करवा दूँगा। और अगर मैं एक साथ ऐसे 6-7 कार खरीदता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो बिना पेन ठीक करा सिर्फ रिपेयर करा के सीधा ऑफिस में लगवा दूँगा। चलो इसका पेन ठीक हो चुका है, अभी सुपड़ा को लेके आते हैं हम फटाफट से अपनी पर्सनल कार। इसका तो पेंट ही चेंज करना है, तो पेंट ठीक करवाने का क्या, इसका तो पेंट ही चेंज करना है, इसको फुल मॉडिफाई कराना है। शायद इसमें ना इसने टर्बो या नॉस में से कुछ, नॉस है टर्बो या क्या बोलते हैं वो, कुछ तो इसने नहीं डलवाया, तो चलो वो डलवा लेते और इसका कलर चेंज करवा लेते। ऐसे भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इसको फुल ब्लैक करवा दूँगा, फुल ब्लैक बहुत मस्त लगेगी। हाँ देखो इसमें रेसिंग किट नहीं डलाई हुई थी और ESP नहीं डलाया हुआ था, और सस्पेंशन पूरे डाउन कर देंगे और क्या बोलते हैं लाइट में हम कर देंगे एकदम रेड कलर की लाइट, नहीं और कुछ देखते नहीं तो काम कर यही जा रहे, तो वैसे कुछ देख ही नहीं रही है लाइट। और नंबर प्लेट में हम लगेंगे, कौन सी नंबर प्लेट लगाए, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कैलिफोर्निया वाली लगाते थे, चलो कैलिफोर्निया वाली लगाई। इस पर हम लिखेंगे अपना नाम मैन, लिखते अभी यहाँ पे मैन, फटाफट लिखते थे m.a.n बस मैन लिखती। अभी हमारी कलेक्शन की फर्स्ट कार बन चुकी है। ओके क्या लग रहा है सामने मैन लिखा हुआ, चलो अभी इसको ले चलते, और मेरे ऑफिस का नाम भी मैन शोरूम में रखाया हुआ है, इसको ले चलते। अच्छा मैंने इंजन ऑफ कर रखा था, इसको ले चलते पेंट करवाने, और इसको मैं ब्लैक करवा देता हूँ सीधा सीधा। पहले देख कर लूँगी कौन सा पेंट किस पे सही लग रहा है, बट ब्लैक भी बहुत अच्छा ही लगेगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्लैक भी, तो इसको ब्लैक ही करवा देते सीधा सीधा। येलो नहीं, ब्लैक यार बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक ही करवा दो, और पॉलिश में सही है। चलो अपनी सुपड़ा एकदम परफेक्ट हो चुकी है, उसको सीधा बेच दो कल, बेच दो नहीं मीन्स बेच दो, यहाँ चला के ले चलते। चलो अपनी पर्सनल कार इसको चला के ले चलते हैं। क्या लग रही है नहीं यार ये सुपड़ा MK5, MK4 होती ना गेम में कितना मज़ा आता, राटा टाटा टा कितना मज़ा आ जाता है MK4 होती तो, मैं तो सिर्फ MK4 की कलेक्शन बना देता, टोटा MK4 मज़ा आ जाती, पर इसमें MK5 ली हुई है। और जो मैं पहली वाली कार फोर सिल के था उसमें टोटा MK4 थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही नेबरहुड में देखी थी MK4। आप लोगों को पता होगा जिसने मेरा ये कार फोर सिल का वो पुरानी गेम वाला फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने पहले ही टोयोटा सुपर MK4 देखी थी जब मैं अपनी फर्स्ट कार लेके जा रहा था, पता नहीं सेकेंड कार या फर्स्ट कार लेके जा रहा था सेल को रखने के लिए, तो नेबरहुड के रास्ते में मेरे को वो देखी थी एक सुपरा MK4, क्योंकि वो गेम में MK4 आई हुई थी। तो मैं अपने ऑफिस के लेफ्ट साइड अपना कलेक्शन रखूँगा, और राइट साइड जो कार सेल करनी होगी ना वो रखूँगा। चलो मेरा यही सेट हो चुका है, इसमें क्या रिम डलूँगा यार, और DR8 में बहुत अच्छे हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूँ और स्केल पॉइंट मिल जाएंगे, उसको फिर मैं सेल पे लगा दूँगा। बहुत अच्छी कार मतलब बहुत अच्छा रिटर्न देती है, बहुत ज़्यादा ही मस्त कार है, मिल जाती है 4 लाख के आसपास मिल जाती है, और बिक जाती है 10 लाख, मैं तो 10 लाख ही लगा देता हूँ, फिर जितनी बिकी 10 लाख ही लगवा देता हूँ हमेशा। Lamborghini Countach में भी 10 लाख, और Audi R8 में भी 10 लाख लगा देता हूँ, फिर जितने में बिक के जितना कस्टमर दे। बाकी अभी तक मैंने स्किन अनलॉक नहीं की है मैक्सिमम प्राइस देखने की, तो है ना क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं कितने में बिक सकती है, क्या पता ज़्यादा में बिक सकती हो या क्या पता ऐसे भी सस्ती बिक सकती हो। चलो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, मैं वो दिखना बंद हो गया था, कहाँ से गंदी हो रही है, ये गंदी भी है कि नहीं चेक कर लेता हूँ, है यार 2% डर्टी, लेकिन कहाँ से, अच्छा यहाँ से ही है, हाँ बस ये रहा यहाँ से। ओके हो गई साफ अपनी कार, यहाँ से इसको सील पे लगा देते फटाफट से, और मैं इसको 10 लाख की लगा दूँगा वेब पेज। Audi R8 ये रही Audi R8, इसको मैं सेल पे लगा दूँ कट करके, इसको लगा 10 लाख की, नहीं 11 लाख, चलो 11 लाख लगा देता हूँ, ये 1000 11 लाख हो गया, इसको अभी टिक करो मोटीटोन सील। अब देखते हैं कस्टमर आके कितने में लेता है, 8-9 में ले गया ना यार, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। अभी भी वो इतना ज़्यादा बिल, 52,000 का बिल, गाइस बिल ही इतना आ रहा है। अच्छा वो मैंने ना क्या बोलते बैंक से लोन नहीं लिया, नहीं तो इसमें ना बैंक से लोन कैसे चुकाते मेरे को आता नहीं है,
और यार क्या शोरूम लगता है अपना यार। खाली इसमें ना वो ऑप्शन आते हैं जैसे फिर क्या बोलते हैं कंप्यूटर वाली कार फॉर सेल में है, अपना शोरूम खुद डिज़ाइन करो तो कितना मजा आए। चलो तो हम घर को ऑपरेट कर देते हैं, बेड हम लगवा देते हैं, कौन सा लगवाए, ब्लू वाला लगा देते। चलो ब्लू वाला मैंने बेड लगवा दिया है, अभी ये दो चलो यही लगा देते हैं, ये एक ऑप्शन। और पेंट में कौन सा लगवाए, हम पेंट कौन सा लगवाए, पेंट ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा बकवास लग रहा है, ये भी बकवास लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, और ये तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो नहीं, ये भी 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 ये लगवा देता हूँ, काम कर लो। चलो मैंने ये वाला लगवा दिया है, अभी बाहर साइड आ चुका हूँ मैं, बाहर में लगा दूंगा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, प्योर वाइट मस्त लग रहा है, एक काम करते वाइट लगा देते। चलो मैंने वाइट लगवा दिया यहाँ पे, और अभी छत छत बाकी है ना, छत कहाँ से पेंट होगी, ये रहा छत का ऑप्शन, छत में कौन सी कर रहा हूँ, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये भी नहीं अच्छी लग रही, वाह ये अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी, ओ ये रेड क्या लग रही है, एकदम हॉकी का घर लग रहा है। मेरे हॉकी का तो ब्लू होता है लेकिन हॉकी के बाजू वाले रेड होते हैं ना, तो मैं रेड लगवा दिया। अभी इन डिज़ाइन में ये टेबल या ये तो मैं गोल वाली लगा देता हूँ, गोल वाली अच्छी लग रही है। अभी क्या आएगा ऑप्शन मैट का, मतलब जो मैट के नीचे फ्लोर है वो फ्लोर मैंने लगवा दिया। अभी सोफ़ा ग्रीन ब्लू, तो मैं ग्रीन लगा देता हूँ क्योंकि ग्रीन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ब्लू छोटा है, तो मैं ग्रीन वाला सोफ़ा लगा दिया है। बाय करते हैं, अच्छा पैसे ही ख़त्म हो गए तो मैं फिर कभी लगा दूंगा, बाकी अपना घर तो मस्त दिख रहा है। ओके कस्टमर भी आ चुके, मैं घर रिपेयर मतलब घर कोई वो करने में, इंटीरियर डिज़ाइन करने में अपनी आर एट बेचना ही भूल गया। चलो फटाफट से आर एट बेच के आते हैं, कितनी दे रहे 6 लाख, ओके ये अच्छा प्राइस दे रहे, एक बाजू वाले से भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा प्राइस दे दो, कितना प्राइस दे रहे हो अंकल, वो ये ज़्यादा दे रहे, तो इसको है ना 7 लाख दे रहे, तो मैं इसको बोलता हूँ 7,80,000 दे दो, 7,80,000 ओके ले गया ये, इसमें पास 7,80,000 रुपीज़ आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे घर रिपेयर करने में उड़ा दिए, इसलिए मेरे पास 7,80,000 है, नहीं तो मेरे पास अभी 8 लाख पड़े होते, तो हम चलो अपनी सुपड़ा को निकालते हैं और घर ले चलते हैं फटाफट से। चलो सुपड़ा रेसेस करते, चलो चलो रेस 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 देखते क्या फटाफट से, चलो चलो चलते चलो, क्या स्पीड चलते अपनी सुपड़ा भी, मैं रेस करने आ चुका हूँ यहाँ पे। मास्टर RX-7 आई हुई है, फरारी आई हुई है, सिविक आई हुई है, RX-7 भी मस्त बहुत फास्ट है, तो मैं सिविक से रेस लगाता हूँ फटाफट से इधर, अरे टोनी करने से रेस करनी है यहाँ से रेस, चलो अरे रेस करनी है कार में, हाँ 125 रुपीज़ की आ जाए, देखो मैं दिखाता हूँ क्या सिविक से जीतेगा, सुपड़ा से, सुपड़ा से जीतेगा, सुपड़ा से सिविक लगा क्योंकि इसको मैं दिखाता हूँ केयर अप करना, खाली मैं सैम टाइम पे कर लूँ क्योंकि ना ये गेम है ना स्पीडोमीटर में वो रेड लाइन नहीं आती भाई तुम्हारी स्पीड कहाँ तक पहुँची, ये ना गेम फिक्स करनी चाहिए इनको अपडेट में कि ना एक तो ये स्पीडोमीटर में लाइन दिखा है कितनी स्पीड पे जा रही है क्योंकि शिफ्ट नहीं कर पाते हम। और एक और चीज़ थी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अभी मैं भूल चुका हूँ, देखो अब मैंने 10 की स्पीड कर दी उधर लाइन आई कहीं पे, मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे को शिफ्ट कब करना है, लाइन ही नहीं आती आना है एकदम वो तो के भी शिफ्ट कर जाता हूँ, चलो चलते देखो रेड लाइन तो बाद आ जा रहा हूँ, अब तो भी बेस्ट चल रहा है, देखो हमेशा लेट शिफ्ट ही होता है मेरे से, तो जीती तो जाऊँगा ही मैं क्योंकि सामने सिविक है यार, सिविक थोड़ी ना जीतेगी, लेकिन गेयर टाइम टाइम पर ना आपको ना तो थोड़ी ज़्यादा स्पीड में जीतूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये टाइम पर अप ही नहीं होता है बहुत, मतलब क्या दिखाता ही नहीं है लाइन रेड वाली जिससे स्पीड पता चलती है कितनी है, जो मैं अच्छे से रेस करूँ अच्छे से गियर टाइम पे वो गियर चेंज करूँ टाइम पे, इतना टाइम लगेगा जल्दी बाहर आ जा। अभी यहाँ पे एक फरारी खड़ी है और आगे सिविक एक और, चलो सिविक से कि फरारी से किसी लड़ा है, फरारी से देखते कितने की बेट लगा रहा है, 4,000 चल आ जा रेस लगा लेते, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे चले जाएंगे, मेरे पास तो है बहुत सारे पैसे, 8,000 ही जाएंगे और क्या, उतने तो मैं यूँ कमा लूँगा एक और आर एट खरीद के। चलो रेस में आ चुकी हूँ फरारी के साथ,
फरारी यार नॉट्स मार दिया और ये गेयर अब टाइम पे कर दिया और मैं टाइम पे नहीं कर पाऊँगा, मेरे को लगता है फरारी जीतेगी, फरारी ही जीतेगी। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते जीत क्या, तो इंजन स्टार्ट हो चुका है, गेयर फर्स्ट में डाल चुका हूँ मैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके आगे चलते हैं फटाफट से। पहुँच गया, बस ब्रेक मार दो। 3, 2, 1 क्या बोला था, ये नॉच मार के आगे निकल जाएगा, ये शिफ्ट भी टाइम पे कर रहा है, हालांकि मुझसे ज़्यादा आगे नहीं गया, 2 सेकेंड का ही फर्क है। देखो 2 सेकेंड लेट हुआ मैं, सिर्फ 2 सेकेंड, लेकिन 2 सेकेंड भी बहुत बड़ी बात है ड्रैग रेसिंग के लिए। यार व्हील्स लगाए हुए ना सुपरा में, मैं अपनी सुपरा में भी यही व्हील्स लगवा दूंगा, मैंने अपनी सुपरा की व्हील्स ही नहीं देखी अभी तक कैसे है। जल्दी आ जा लोड, यार एक तो लोड होने में भी कितना टाइम लगा था, मैंने अपनी सुपरा की व्हील्स तक नहीं देखे कैसे, और आके ये अच्छा है यार कितने बेकार से व्हील्स लगे हुए। तो मैं वो GTR आई हुई है, GTR से रेस कौन लगाएगा भाई, मैं ही हारूँगा, कितने की बेट ले मेरे को वो भी नहीं देखनी है क्योंकि लगानी नहीं है मुझे, हारूंगा ही मैं। चलो तो अभी इसको घर ले चलते अपने और सो जाते हैं फटाफट से, फटाफट घर पहुँचते। यार सुपरा भी स्पीड ही है यार, लेकिन GTR की पकड़ की नहीं, इन दोनों की टॉप स्पीड सेम है लेकिन GTR पकड़ने में बहुत ज़्यादा स्पीड है। तुमको पता है GTR का, GTR ड्रैग रेसिंग के लिए ही बनी है, सुपरा भी ड्रैग रेसिंग के लिए बनी है, लेकिन सुपरा में मॉडिफाई कराओ तो, और इसमें गेम मॉडिफाई करवाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जैसे हम अपनी कार के इंजन नहीं चेंज करवा सकते, इसमें 2JZ लगा हुआ है तो 2JZ ही लगा हुआ रहेगा, हम V12 नहीं डलवा सकते। और वैसे ही रियल लाइफ में भी सिर्फ एक ही सुपरा में V12 डला हुआ है, जो आता है ना एक जना उसका नाम मैं भूल गया, सिर्फ एक ही सुपरा में V12 डलवा हुआ है, और वो देखो वो रहा मेरा घर, दूर से पता चल जाता है क्योंकि पूरे विलेज में नेबरहुड में अकेले मेरा ही घर की जो है ना रूफ है ना वो रेड है। तो चलो यहाँ पे कार पार्क करते हैं और फटाफट से सो जाते हैं, अपनी पर्सनल कार में आए हैं आज मैं गेमिंग। चलो चलते हैं बाहर, इसको सुबह साफ कर लेंगे, अभी जाके सो जाते हैं फटाफट से। चलो सो जाए, ओके मैंने 2,72,603 रुपीस का आज प्रॉफिट किया है, और मैंने ना एक शोरूम अपना बड़ा कर लिया। तो अभी मैं है ना आज यह वीडियो यहीं पे ही एंड करता हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कौन सी कार मेरे कलेक्शन में देखनी है अगले वीडियो में वो भी मेरे को बताना। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।